आतंकवाद की जननी कांग्रेस, उग्रवाद की जननी कांग्रेस, नक्सलवाद की जननी कांग्रेस, भ्रष्टाचार की जननी कांग्रेस और माफिया और कांग्रेस तो ऐसे हैं जैसे एक दूसरे के पूरक बन गए हैं। चोली दामन का इनका साथ हो गया है, वह माइनिंग माफिया हो, वह वन माफिया हो, वह पशु माफिया हो या संगठित अपराध में लिप्त माफिया, इन सब के साथ इनका गठजोड़ है। ये जनता जनार्दन का शोषण करते हैं। भारतीय जनता पार्टी सुरक्षा का नाम है, भारतीय जनता पार्टी समाधान का नाम है, भारतीय जनता पार्टी बिना भेदभाव के विकास की योजनाओं को पहुंचाने का नाम है, भारतीय जनता पार्टी बिना भेदभाव के विकास की योजनाओं को हर गरीब तक, हर किसान तक, हर नौजवान तक, हर महिला तक पहुंचाने का नाम है। बहनों और भाइयों मुझे बताओ, ये कांग्रेस के समय में किसान आत्महत्या करता था कि नहीं करता था? आज देश के 12 करोड़ किसान परिवारों को प्रधानमंत्री सम्मान निधि का लाभ प्राप्त हो गया है। कांग्रेस ने क्यों नहीं दिया? लेकिन मोदी जी ने दिया है। 80 करोड़ गरीब फ्री में राशन की सुविधा का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। 60 करोड़ गरीबों को 5 लाख रुपए की आयुष्मान भारत की सुविधा प्राप्त हो रही है। 12 करोड़ गरीबों के घर में शौचालय बन गए हैं। 10 करोड़ गरीबों के घर में उज्ज्वला योजना का रसोई गैस का सिलेंडर पहुंच गया है। और बहनों और भाइयों, 4 करोड़ गरीबों के घर भी बन गए हैं। 4 करोड़ गरीबों के घर, जो काम कांग्रेस 7 वर्ष में नहीं कर पाई, मोदी जी के नेतृत्व में, नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में, डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने वह कार्य मात्र 10 वर्ष में हरियाणा के अंदर करके दिखा दिया है। आज यहां बड़ी अच्छी खासी चौड़ी 2 लेन 4 लेन 6 लेन की सड़कें हैं, IIT है, IIM है, एम्स है, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज है, हर घर नल की योजना है, विकास की नई नई योजनाएं आ रही है, उद्योग आ रहे हैं, निवेश आ रहे हैं, नौजवानों के लिए नौकरी है, किसानों के लिए तमाम प्रकार की सौगात है। बहनों और भाइयों, ये काम आखिर कांग्रेस क्यों नहीं कर रही थी? कांग्रेस को अराजकता और व्यवस्था फैलाने से ही फुर्सत नहीं थी। इनके समय में न बेटी सुरक्षित थी, न व्यापारी का सम्मान था, न दलित सुरक्षित था और न ही किसी व्यक्ति की दौलत ही सुरक्षित थी।